नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल टाइम पास एंड आर्न में। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसे भी प्रेस कर दो। उससे ये होगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ऑफ़र बताऊंगा जिससे आप लोगों को ICICI जो बैंक का पॉकेट एप्लीकेशन है उससे आप लोगों को 110 रुपीज़ करके पर नंबर पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है, तो मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या करना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप पॉकेट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सिम सेलेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे टिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिए और वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको SMS के लिए 1.5 रुपीज़ चार्ज कटेगा। तो आपके पास बैलेंस नहीं है तो बैलेंस लोड करके आप ये प्रोसेस को कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा बैलेंस 1.5 रुपीज़ कटते ही मेरा प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा, मतलब 1 SMS सेंड हो जाएगा। तो थोड़ा लोडिंग लेता है इसके लिए। तो देखो यहाँ पे मेरा 1.5 रुपीज़ बैलेंस काट गया और मेरा अकाउंट, मतलब इस नंबर से OTP आ जाएगा ऑटोमेटिकली और यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखो मेरा जो OTP है वो मैंने गलती से, तो देखो OTP यहाँ से डाल के आपको डन कर देना है। उसके बाद आपको एक पेज आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब फिल कर देना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को आपको याद रखना है, अगर आपका सही जो डेट ऑफ बर्थ है नहीं डल रहे हैं तो आप याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सही सही डाल दीजिए आपका जो इन्फॉर्मेशन है। तो देखो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा जो इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने हर कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे एक पैन कार्ड सेलेक्ट कर दूँगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पे एक सीरियल वाइज आप यहाँ से जो मैंने डाला पैन कार्ड का नंबर वो आप रैंडमली चेंज करके डाल सकते हो। तो यहाँ पे प्रोमो कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रेफरल कोड है। तो मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और साइड में डिस्प्ले में आपको दिख ही रहा होगा, तो उसी प्रोमो कोड को आप डाल दीजिए, क्योंकि आपको साइन अप बोनस 10 रुपीज़ मिलेगा इस प्रोमो कोड को डालने पर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे टिक करके आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो देखो मेरा प्रोमो कोड यहाँ पे मैं डाल दिया। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा सभी फिल अप करने के बाद। तो मैंने कर दिया, देखो आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट में मतलब MPIN सिलेक्ट करने को बोलेगा, तो ये आपका MPIN होगा। तो यहाँ पे आप सेट कर लीजिए 4 डिजिट का कोई भी MPIN। तो मैंने कर दिया। तो उसके बाद कॉन्फर्म पे क्लिक कर दो। तो उसके बाद थोड़ा लोडिंग लेने के बाद देखो यहाँ पे आपको UPI सेट करने का बोलेगा एप्लीकेशन में, तो आप UPI को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो मेरा जो लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, तो देखो UPI को मैं स्किप कर देता हूँ यहाँ पे। स्किप करने के बाद आपको KYC के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए। तो देखो साइन अप बोनस 10 रुपीज़ मिल गया अभी, ठीक है, और ये वीसा कार्ड भी मिल गया। तो मैं बोला था आपको 110 रुपीज़ पर नंबर कैसे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे रेफर एंड अर्न का प्रोसेस है, तो अगर आप छः बंदे को रेफ़र करते हो तो आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा और साइन अप बोनस 10 रुपीज़, तो 110 रुपीज़ हो गया। लेकिन आप ये अनलिमिटेड टाइम के लिए कैसे कमा पाओगे तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका रेफर कोड होगा, यहाँ पर क्लिक करते ही आप कुछ व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेज किसी भी तरह आप सेंड कर सकते हो अपने दोस्तों को, ठीक है। अगर अपने दोस्तों को सेंड नहीं करके आप खुद से ही कमाना चाहते हो इस रेफर लिंक से, तो आपको मैं एक प्रोसेस बता दूंगा। तो चलिए देखो इस रेफर लिंक से, और ये जो बैलेंस है वॉलेट बैलेंस, इसको कैसे आप विड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे देखो कार्ड नंबर मुझे शो हो गया, तो इस कार्ड नंबर को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे CVV सब कुछ आपको शो हो जाएगा। तो आप देख लीजिए अपना जो आपका है, तो उससे और उसे आपको पेटीएम में जाना है। और पेटीएम में जाके ऐड मनी पे क्लिक करके, देखो मैं पेटीएम ओपन कर लिया, ऐड मनी पे क्लिक करके आपका जो अमाउंट है 10 रुपीज़ यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। मैं 10 रुपीज़ डाल के ऐड मनी पे क्लिक कर दिया। तो उसके बाद आपका जो ऑप्शन आएगा, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो अब जो डेबिट कार्ड का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके आप डेबिट कार्ड का नंबर डाल दीजिए और जो पूरा का ऑप्शन है वो फिलअप कर दीजिए आपका, मतलब वैलिडिटी। और यहाँ पे 3D पिन को सिलेक्ट करके आप CVV डाल के यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है।
तो पे नाउ पे क्लिक करते ही आपको वैलिड फ्रॉम, मतलब आप किस तरीके से आप पॉकेट एप्लीकेशन को रजिस्टर किया, मतलब किस महीने से, तो मैंने सितंबर से रजिस्टर किया, तो सितंबर 2018 से मैं ये फिल कर देता हूँ। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने रजिस्टर करने के टाइम पे दिया था उसी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए, तो मैंने कर दिया, देखो कर देता हूँ। तो रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने को बोलेगा और ओटीपी आ जाएगा, तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे ओटीपी आने पर आप फिलअप करके यहाँ पे नीचे जो 3D पिन है, यहाँ पे 6 डिजिट का कोई भी पिन आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरा ओटीपी आ गया, तो मैं यहाँ पे फिल करके ये जो 3D पिन है वो वहाँ पर फिल कर दिया और सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पर आपको जो बैलेंस है पेटीएम में ऐड हो जाएगा 10 रुपीज़, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो देखो ये ट्रांजेक्शन सक्सेस नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, तो मैं दोबारा करके यहाँ पे कर देता हूँ, आप लोगों को वीडियो पॉज करके दिखा देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे फिर से ओटीपी आ गया, तो मैं फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देते ही मेरा बैलेंस ऐड हो जाएगा। तो देखो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ देखो यहाँ पे बैलेंस है मेरा 30 रुपीज़ वॉलेट बैलेंस, तो अभी ऐड होने के बाद आपको दिख ही जाएगा। देखो यहाँ पे 10 रुपीज़ ऐड हो गया, यहाँ पे वॉलेट बैलेंस नीचे जो है यहाँ पे 40 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरफ से आप बैलेंस को वॉलेट में ऐड कर सकते हो, मतलब पेटीएम बैंक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ICICI बैंक से मुझे कैशबैक मिला, मतलब ये जो कैशबैक नहीं, लोड किया मनी, ठीक है। इस तरफ से आप कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड को रेफ़र नहीं कर सकते हो, तो आप इस जो आपका जो रेफ़र कोड है, यहाँ पे रेफ़र एंड अर्न पे मैंने देखा या पहले, तो आपको रेफ़र कोड से, तो दोस्तों आपके जो डेटा है एप्लीकेशन का उसको क्लियर कर दीजिए और अपना जो रेफ़र कोड है उसको कहीं पे सेव करके रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा नंबर से आप साइनअप कर लीजिए, मैंने जब पहले जो प्रोसेस दिखाया उसी तरफ से साइनअप करके जो रेफ़र कोड का ऑप्शन है वहाँ पे अपना जो रेफ़र कोड है आपका उसी को पेस्ट कर दीजिए और साइनअप कर लीजिए। तो आपको देखो यहाँ इसी अकाउंट पर भी 10 रुपीज़ मिल जाएगा, और आप 3 नंबर पे जब कंप्लीट कर लोगे तो आपको जो जिस अकाउंट से आपने रेफ़र कोड दिया है उस पे आपको 50 रुपीज़ करके मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 6 नंबर पे या 6 बंदे को रेफ़र करते हो तो आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा, तो और साइन अप बोनस तो 10 रुपीज़ मिल ही गया, तो आपको हो गया ना 110 रुपीज़, मतलब 110 रुपीज़। तो इस तरफ से आप पॉकेट एप्लीकेशन को लूट सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह लूट वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना।